अरे आजा दो मिनट के लिए आजा। अरे पेड़ के नीचे नहीं उतना खड़े। ये पानी ही एयरपोर्ट पे बोतल बेची जाती है 200 रुपए की। ओहो एब नॉर्मल से होता है सारा काम। वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू भाई? मैं वेट कर रहा हूँ, नीचे हूँ मैं, और वो अभी तक आ नहीं रहा मैसेज। मैं उसको डाल चुका लेकिन उसका रिप्लाई तक नहीं आया। तो स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो में। आज हम लोग जा रहे हैं हैदराबाद से जहीराबाद। जहीराबाद हैदराबाद से 100 किलोमीटर है और वहाँ पे एक वाटरफॉल, तो आज उसको देखने जा रहे हैं। बेसिकली आज हम बाइक से नहीं जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं क्योंकि बारिश का थोड़ा मौसम ज्यादा हो रहा है। मैं, अंकुर और जुगन भी आ रहा है साथ में, अभी उसका वेट कर रहे हैं। हम तीनों जा रहे हैं। तो दोस्तों जुगन भी आ चुका है अपना, और थोड़ा ये लेट हुआ था, इसको थोड़ा गाली वाली दी है हमने, थोड़ा सेट करा इसको। अभी निकल रहे हैं, 8 बज चुके हैं, 1 घंटा लेट है अपनी फ्लाइट। दोस्तों वाराणसी से उतर चुके हैं और मुंबई हाईवे पे आ चुके हैं। अभी हम ये सीधा मुंबई के लिए जा रहा है और यहाँ से जहीराबाद लगभग 70 किलोमीटर है, तो मोस्टली हमें 1 घंटा लग जाएगा। रोड अच्छा है ये भी। सो जुगन, तुम जहीराबाद कब रहे हो भाई? 5 साल पहले मैं जहीराबाद गया था जब हमारी ट्रेनिंग हो रही थी। जहीराबाद में ये महिंद्रा की फैक्ट्री है, एक महिंद्रा ट्रैक्टर्स की, तो हम उसमें गए थे ट्रेनिंग के लिए 1 दिन के लिए। ये शायद बात है 18 की बात आई थी, 18 की बात है। ये वो लेबर वाले हैं, यहाँ शायद वो है कोई फैक्ट्री है, रबड़ फैक्ट्री है, उसमें जा रहे होंगे। और ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हुए हैं। ये उडुपी है, बहुत फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ का, उडुपी उपहार। ये टिफिन कम्बो पूरी 1 प्लेट, ठीक है 1 प्लेट पूरी। ब्रेकफास्ट हो गया है, बढ़िया रेस्टोरेंट था भाई और अच्छा साफ सफाई बढ़िया थी। तो बाबा जी का बुलडोजर भी धरी खड़ा है। तो यहाँ से जहीराबाद बचा हुआ है 30 किलोमीटर और जहीराबाद से 20 किलोमीटर आगे है इति पोतला वाटरफॉल्स। सो सेम इसी नाम से, इति पोतला वाटरफॉल्स के नाम से एक वाटरफॉल है नागार्जुनसागर डैम के पास। तो आज मैं पूर्णिया नहाने का प्रोग्राम है इसका वाटरफॉल में। आपको अगर हैदराबाद में कोई बाइक खड़ी मिले जिसके लाल टायर हो तो आप समझ लो हैदराबाद की लाल मिट्टी। लाल मिट्टी, यहाँ की लाल मिट्टी है ना, लाल मिट्टी है। ये है भाई वो महिंद्रा की फैक्ट्री। अब महिंद्रा का इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है। और यहाँ से आगे से फिर राइट हो जाएंगे इति पोतला वाटरफॉल्स के लिए। यहाँ से जो गाड़ी जाएगी हैदराबाद, और अगर उस गाड़ी के टायर रेड है तो समझो वो गाड़ी जहीराबाद से आई है। इतनी ज्यादा लाल मिट्टी है। और देखो यहाँ जब बाइक जा रही है इसके देखो पूरे टायर रेड है। अभी हम लोग जहीराबाद से निकल गए हैं और जहीराबाद इधर लेफ्ट में सिटी है और हम आगे जाएंगे। गूगल बाबा ने धोखा दे दिया यार, रास्ता ही खत्म कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ से वापस मेन रोड पे जाएंगे, वहाँ से पूछते हुए फिर तक पहुँचेंगे यार, यहाँ तो रास्ता ही खत्म हो गया। पूनिया क्या मिल गया?
गया तो गया ना। घेर है यार बड़ी, घेर नहीं था वो पानी के अंदर। हाँ, गुहरा बोलते हैं इसको। हाँ, इतना बड़ा था। जल्दी देख कितना केमिकल है ये जो हम खाते हैं। ये लगता है इन सब्जियों में, जितनी भी सब्जी हम खा रहे हैं ना, सब में लग रहा है। ये मोटर है, इसमें से पानी खींच रहा है ये और सीधा निकल रहा है। अरे ये ड्रिपिंग की है, इसमें प्रेशर वाला सिस्टम है। लोकेशन बता दिया, रिहाला के रास्ता खत्म कर दिया। सबसे अच्छा मुझे लगता है रास्ते में पूछते जाओ, जो भी आपको गांव वाले मिले लोकल उनसे पूछ लो भाई। अभी हमको एक गांव वाला मिला, अपनी गाय लेके इधर जा रहा था, तो उससे पूछा हमने, तब उसने बेचारे ने बताया जी वापस जाओ, आप वापस गांव में जाके फिर वहां से पूछ के फिर आप आगे जाके राइट होना। क्या हो गया? लोकल में यही चलता है हमेशा। कभी भी हम रास्ते में आराम से रुकते रुकते आ रहे हैं, ड्रोन उड़ा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। बरसात के बाद इतनी ज्यादा ग्रीनरी हो चुकी है, सब कुछ हरा ही हरा दिख रहा है, सब कुछ हरा हरा। यहाँ से सीधा पानी आ रहा है और इधर जा रहा है, सामने छोटा सा वाटरफॉल मिलेगा। क्या व्यू है यार, देखना यार व्यू। ये देख मौसम, देख यार असली बात ना मौसम के है, ग्रीनरी मौसम व्यू। पक्षी मजा आ गया भाई दोस्तों, शुरुआत ही अच्छी हो गई है। अरे वाह भाई जीवन, क्या व्यू है यार। आपको पता है कि ये बिस्लेरी का पानी है, ये एयरपोर्ट पे पानी है, कहाँ से भरा जाता है? कहाँ से भरा जाता है ये झरना, कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? आइए आप, आपको दिखाता हूँ। शो मी, कम प्लीज। ये देखो, अभी आपको लग रहा है कि पानी ऊपर से आ रहा है, पहाड़ी से नहीं आ रहा है। देखो ये देखो, आप अच्छे से जाओ तो बिल्कुल यहाँ पे खड़े हो जाओ, ये पानी पहाड़ के अंदर से आ रहा है। 90% जो झरना होता है वो पानी पहाड़ के अंदर से आता है। ये देखो आप अंदर से, यहाँ पे कंटिन्यूस पानी आ रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूस। राइट राइट, ये यहाँ से ये अभी आ रहा है बरसात में, ये सोर्स का ये सोर्स है, ये बरसात में ही आ रहा है, बाद में पानी नहीं मिलेगा यहाँ, है ना? ये ऐसा नहीं है कि ऊपर से आता है, 90% पानी पहाड़ों के अंदर से आता है। राइट राइट भाई, एक नंबर की जगह है घूमने के लिए, लेकिन सिर्फ बरसात के मौसम में, बाद में तो यहाँ आराम से संभल के, बाद में यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। बारिश का मौसम है इसलिए पूरा चल रहा है झरना, चारों तरफ ग्रीन ही ग्रीन है। वाव दोस्तों, क्या सीन आ गया भाई, वाव। दोस्तों बहुत बेहतरीन वाटरफॉल है और एकदम अच्छा पानी आया हुआ है पूरा बरसात की वजह से। तो अभी हम बेसिकली क्या, इधर नहाने का नहीं है, उस तरफ आप नहा सकते हो, तो हम घूम के उधर जा रहे हैं, उधर पानी भी साफ़ है, इधर पानी है, मिट्टी वाला पानी आ रहा है। तो अभी हम क्या है, यहाँ से गाड़ी खड़ी है हमारी, वहाँ से घूम के उस तरफ जाएंगे और वो वाइट जो वाटर दिख रहा है ना, वहाँ नहाएंगे, इस जगह नहाएंगे हम, क्योंकि ये जो पानी है ये पूरा इसमें मीठी मीठी पानी है और यहाँ पानी की स्पीड भी ज़्यादा है, उधर पानी की स्पीड भी नहीं है और नहाने की जगह भी बनी हुई है थोड़ी सी। तो दोस्तों अभी वाटरफॉल के हम राइट साइड में आ गए हैं, इधर से
बढ़िया व्यू दिख रहा होगा आपको। हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर है वाटरफॉल के पास, बिल्कुल क्लियर पानी है भाई यहाँ पे, एकदम क्लीन। एक्साइटेड और पूर्णिया देखता है बेयर ग्रिल्स, और ये भी वाटरफॉल में कूद सकता है कभी भी किसी पल ये बिल्कुल डरता नहीं है यार वाटरफॉल से, इसको चाहिए ऐसे वाटरफॉल कूदने के लिए। ओहो बारिश होने लगी दोस्तों, और देखो कितने लोग आ चुके हैं अभी यहाँ पे। दोस्तों बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो चुकी है और बस हम भीगने ही वाले हैं। लगभग हम एक से दो घंटा यहाँ पे नहाए हैं और जुगन तो पानी से निकल के नहीं दे रहा था, इसको तो जबरदस्ती खींच के लाए हैं, तो वही वापस जा रहे हैं अभी, और रास्ते में हम कहीं पे लंच करेंगे, मजे ही मजे, और उसके बाद सीधे हैदराबाद। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हो हैदराबाद से तो लगभग आपको 2 से 2.5 घंटे आने में यहाँ लगेंगे, 2 घंटे आप यहाँ लगा लो आप स्पेंड करेंगे, 2-2.5 घंटे जाने के, तो ऑलमोस्ट अगर आप सुबह जाओगे तो 3-4 बजे तक वापस आओगे हैदराबाद। चलो दोस्तों अभी निकलते हैं भाई, मिलते हैं हैदराबाद आपसे सीधे। बाय बाय।